तो ये सम में बोला है कि आपको टोटल 21 लाख, सॉरी 20 लाख शेयर्स के एप्लीकेशन आए, पर आप लोग ने इश्यू कितने किए हैं? खाली 8,50,000 इक्विटी शेयर्स। मैम ये प्रीमियम का सम है, 10 रुपए फेस वैल्यू है और 3 रुपए प्रीमियम है। अब ऐसा बोला है कि 3 लाख शेयर्स को तो आपने पूरे रिजेक्ट ही कर दिए। तो चलिए 3 लाख शेयर्स जिन्होंने अप्लाई करे थे उसको आपने कुछ भी अलॉट नहीं किया और पूरे के पूरे रिजेक्ट कर दिए, और बाकी जो बचे शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन प्रो रेटा बेसिस, बाकी जो शेयर्स बचे उसको प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट कर दिए। तो मैम टोटल 20 लाख एप्लीकेशंस है, 3 लाख का उन्होंने बता दिया कि भाई हमने तेको तो रिजेक्ट कर दिया, तो बाकी कितने शेयर्स बचे? बाकी बचे 17 लाख शेयर्स, तो उनको अलॉट कर दिया प्रो रेटा बेसिस पे। मतलब हर एक शेयर होल्डर को कोई ना कोई शेयर तो अलॉट किए हैं, हर एक शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ कोई ना कुछ शेयर अलॉट करेंगे। तो मैम ये वाला क्लियर? 17 और 8, 50 क्लियर एवरीवन? ये वाला यहां तक, ये दो कॉलम में अभी तक किसी को कोई दुविधा? इट सीम्स यू ऑल आर क्लियर। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ वापस से। तो चलिए पहली कैटेगरी को क्लियर कर लें कि भाई ये जो 3 लाख शेयर्स जिन्होंने अप्लाई की उनको कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, तो जब उन्होंने अप्लाई किए तो उन्होंने 13 रुपए के हिसाब से पैसा दिया था, तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 13 रुपए कितना पैसा आया? 39 लाख। कितना पैसा आया? 39 लाख। तो हम गरीबों को चलो थोड़ी किया, तो पूरा का पूरा 39 लाख कर दो रिफंड, पूरा का पूरा 39 लाख कर दो रिफंड। ठीक है मैम, ये तो अच्छी बात हो गई कि भाई रिफंड कर दिया सिंपल। तो क्या ये फर्स्ट कैटेगरी 3 लाख शेयर्स को रिफंड कर दिया, इसमें क्या कोई कुछ पूछना चाहता है? मैम इसमें क्या कोई आपकी कुछ वॉइस पूछना क्रैक चाहता है? हो रही है। सो आई रिपीट अगेन, हमने पूरा 39 लाख रिफंड कर दिया, तो क्या ये सबको क्लियर है? योर थम्स अप शोज कि आप लोगों को क्लियर है। आई स्टिल वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, कुछ पूछना है ये फर्स्ट कैटेगरी वाले के मनी रिसीव्ड और रिफंड को, तो आप पूछ लीजिए। चलिए सेकेंड कैटेगरी, 17 लाख शेयर्स जिसने अप्लाई करे थे उसको अलॉट किए गए हैं 8,50,000 शेयर्स। तो पैसा कितना मिला होगा जब अप्लाई करी थी? तो पैसा मिला होगा 17 लाख मल्टीप्लाई बाय 13, तो तब पैसा मिला था 2,21,000। तब पैसा मिला था 2,21,000, सॉरी 2 करोड़ 21 लाख, 2 करोड़ 21 लाख। लेकिन मैम हमने अलॉट कितने किए? खाली 8,50,000। तो मैम शेयर कैपिटल अपना सीधा साधा सन फेस वैल्यू जाएगा 8,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 गिव्स यू 85 लाख, और बाकी का 3 रुपए 8,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 गिव्स यू 25,50,000, है ना? तो पैसा जो हमने रखा वो टोटल कितना रखा? 8,50,000 शेयर्स जितना रखा, इनटू 10 शेयर कैपिटल में, इनटू 3 सिक्योरिटी प्रीमियम में, और बाकी का जो बच गया जो हमने अलॉट नहीं किए, उन बचे हुए 8,50,000 शेयर्स को जो उन्होंने 13 रुपए दिए थे वो हमने कर दिए रिफंड, वो हमने कर दिए रिफंड। ठीक है मैम, अब आगे बढ़ते हुए मैम एप्लीकेशन मनी टोटल रिसीव्ड कितना है? 2,60,00,000। कैसे? ये 39 लाख प्लस 2,21,000, तो 2,60,00,000। इसमें से अब देखो ये 2,60,00,000 को हमने कहाँ कहाँ कैसे सेटल किया। टोटल शेयर कैपिटल का टोटल कितना है? 85 लाख। बैंक का टोटल हमने ये कर दिया, सिक्योरिटी तो अब हमने सबके टोटल कर दिए, है ना? तो 2,60,00,000 देखो हमने कहाँ कहाँ डाला, 85 लाख शेयर कैपिटल में, 1,49,50,000 डाल दिया बैंक में, मतलब रिफंड कर दिया,
और 25,50,000 हमने डाल दिया सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो अब आप गिनती करोगे तो आपको ये दिखेगा 2,60,00,000 कहाँ कहाँ गया। आप चाहें तो इन तीनों को प्लस करके भी देख सकते हैं, 2,60,00,000 आएगा। इसका मतलब ये हमने 2,60,00,000 को सेटल किया 85 लाख शेयर कैपिटल में, 1,49,50,000 रिफंड और 25,50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम।